नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं कीर्ति लेकर हाजिर हूँ पहाड़ समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक बार फिर दिल्ली जा रहे हैं। दो दिन के दौरे के दौरान वो गृह मंत्री अमित शाह समेत अन्य केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करेंगे। करीब डेढ़ महीने के अब तक के कार्यकाल में मुख्यमंत्री का ये तीसरा दिल्ली दौरा है। माना जा रहा है कि अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर वो पर्यटन, सीमांत क्षेत्रों के विकास समेत अन्य विशेष विषयों पर केंद्र से कुछ सौगात देने का आग्रह कर सकते हैं। सियासी गलियारों में मुख्यमंत्री के दो दिनी दिल्ली दौरे को आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों से भी जोड़कर देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री केंद्र से राज्य के कुछ नई योजनाओं की मांग कर सकते हैं, जिसका फायदा चुनाव में मिले। वहीं इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी शहबाज जुड़ चुके हैं। शहबाज, मैं आपसे आना चाहूंगी, तीसरा दौरा है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का। हालांकि कई चीजों को लेकर लगातार कयास लगाए जा रहे हैं, और जब चुनाव नजदीक होते हैं तो इस तरह के दौरों को चुनाव से भी जोड़कर देखा जाना लाजमी हो जाता है। बिल्कुल कीर्ति, कि जिस तरीके से पुष्कर सिंह धामी को अभी लगभग एक महीना 15 दिन ही हुआ है, और इसी अंतराल के बीच ये तीसरा दौरा उनका है, तो लगातार अलग अलग विषयों पर जो है वो दिल्ली दौरे पर जा रहे हैं। कभी कांवड़ यात्रा के स्थगन की बात करने जाते हैं, तो कभी कभी कुछ मदद मांगने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल से जाते हैं, या फिर ये इस दौरे की अगर बात करी जाए तो इस दौरे पर हो सकता है पर्यटन और कुछ अन्य क्षेत्रों में विकास की मुद्दों पर वो जो है अमित शाह से मिल सकते हैं, उस पर बात कर सकते हैं, और साथ ही साथ कुछ केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात के दौरान वो उत्तराखंड के आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कुछ टिप्स भी ले सकते हैं। क्योंकि जिस तरीके का ये दौरा जो है वो माना जा रहा है, इसको जो है राजनीति से प्रेरित दौरा माना जा रहा है, राजनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। कीर्ति, कुछ सौगातों की भी बात हो रही है, तो अभी इस वक्त कौन सी वो चीजें हैं जिस पर मोहर लग सकती है दिल्ली में? इनका ये दौरा है, उसमें पर्यटन तो सीमांत क्षेत्रों में जो विकास की बात है उस पर खासा जो नजर है वो रखी जाएगी, और इसी मुद्दे को लेकर जो है वो पुष्कर सिंह धामी जो है वो अमित शाह से मिल सकते हैं, और उनसे ये आग्रह कर सकते हैं कि पर्यटन और सीमांत क्षेत्रों में विकास कार्यों पर ध्यान दिया जाए। क्योंकि जिस तरीके से अभी महज कुछ ही महीने बाकी हैं विधानसभा चुनाव में उत्तराखंड के, और उत्तराखंड में विशेष रूप से जो बीजेपी है वो अपना ध्यान दे रही है, अभी आने वाले दिनों में हो सकता है जेपी नड्डा का जो दौरा है वो 20 तारीख को आगमन है उनका, और उस दौरे पर हो सकता है वो जिन विधायकों की या जिन मंत्रियों की जो कुछ शिकायतें आ रही हैं उनको उनकी क्लास ले सकते हैं। क्योंकि अभी हाल ही में देखा गया था कि यूपी में भी आए थे जेपी नड्डा, और वहां पे जिन लोगों के खिलाफ शिकायतें मिली थी उनको सहूलियत दी थी, उनको सही ढंग से समझाया था, उसके बाद अब फिर वो उत्तराखंड जा सकते, तो उत्तराखंड में भी बीजेपी अपनी पूरी तैयारी कर रही है। बिल्कुल शहबाज, क्योंकि चुनाव नजदीक है तो इस तरह की तैयारियां होती रहेंगी। हालांकि ये तीसरा दौरा था पुष्कर सिंह धामी का, देखना अहम होगा कि कौन सी वो सौगातें हैं जिस पर वो मोहर लगाने जा रहे हो, क्या उन पर मोहर लग पाती है या नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। वहीं बढ़ते हैं आगे, पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हरीश रावत ने उत्तराखंड सरकार के 50,000 आवासहीन परिवारों को राशन वितरण योजना पर सवाल दागे। उन्होंने कहा कि सरकार ने राशन वितरण का जिम्मा एक बाहरी चहेती एजेंसी को देकर हजारों महिलाओं के सपनों को लूट लिया। उन्होंने आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के खाने के दांत कुछ और है और दिखाने के कुछ और है। हरीश रावत ने कहा कि उनकी पिछली सरकार ने टेक होम राशन योजना में राज्य की हजारों महिलाओं को जोड़ा था, इससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो जा रहा था। उन्होंने कहा कि ये कदम किसी ने भी उठाया हो, लेकिन इसका दोष मुख्यमंत्री के ही सिर पर आता है। उत्तराखंड में कोविड कर्फ्यू मंगलवार सुबह 6 बजे से 17 अगस्त सुबह 6 बजे तक बढ़ा दिया गया है। इस सप्ताह कोविड कर्फ्यू में ना तो कोई रियायत दी गई है और ना ही नई बंदिश लगाई गई है। ये बंदिशें हैं बरकरार, कोरोना वैक्सीन की डबल डोज लेकर 15 दिन की रिपोर्ट पर राज्य में प्रवेश करना, कोविड वैक्सीन की डबल डोज ना लेने वालों के लिए 72 घंटे की आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट जरूरी है, विवाह समारोह में 50 लोगों के शामिल होने की शर्त लागू की गई है, शव यात्रा में भी 50 से अधिक लोग शामिल नहीं हो सकेंगे, नगरीय क्षेत्र में होटल, रेस्टोरेंट, भोजनालय व ढाबे रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक बंद रहेंगे। 17 अगस्त तक कोविड कर्फ्यू बढ़ा दिया गया है और पुराने नियमों का ही आगे भी पालन करने का निर्देश पारित किया गया है।
तो वहीं इस खबर पर हमारे साथ शुभम जुड़ चुके हैं। शुभम, 17 अगस्त तक कोरोना कर्फ्यू जो है वो बढ़ा दिया गया है, इस वक्त कोविड की क्या स्थिति देख पा रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं जिस तरीके से लगातार उत्तराखंड में जो है कोरोना के मामले घटते जा रहे हैं, लेकिन तीसरे लहर को मद्देनजर रखते हुए कोरोना कर्फ्यू में अब ढील तो काफी दे दी गई, लेकिन 17 तारीख तक कोरोना कर्फ्यू अभी बरकरार है। लेकिन जिस तरीके से ढील दी गई उसमें सभी प्रकार के व्यवसाय खोल दिए गए हैं, लेकिन जो रेस्टोरेंट या फिर होम डिलीवरी का काम है वो सुबह रात्रि 10 बजे तक लास्ट रहेगा और उसके बाद सुबह 6 बजे तक बंद रहेगा, उसके सुबह 6 बजे फिर से खोल दिया जाएगा। लेकिन सभी प्रकार के व्यवसाय व्यापारियों को एक बार फिर से जो है कोरोना के बाद जो है थोड़ी मोहलत मिली है, धीरे धीरे सबके काम खोल दिए गए हैं, लेकिन कोरोना को मद्देनजर रखते हुए जो एसओपी जारी की है उसमें खास कर हम बात करें तो कोरोना के केसेस इस वक्त क्या हालात है कोरोना के केसेस को लेकर? कोरोना के केसेस अब खासकर उत्तराखंड और राजधानी देहरादून की बात करें तो काफी कम है, बिल्कुल ना मात्रा के बराबर दिखाई दे रहे हैं, जो बहुत अच्छी बात है। लेकिन तीसरी लहर को मद्देनजर रखते हुए पुष्कर धामी हमारे जो मुख्यमंत्री है वो काफी जो सतर्क हैं और तीसरी लहर को देखते हुए उन्होंने काफी एसओपी में चेंजेस लाए हैं। अब सभी प्रकार के व्यवसाय तो खोल दिए गए, लेकिन सभी पे एक समय बांध दिया गया, उसी समय के निर्धारित और एसओपी के तहत ही खोले जाएंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। वहीं उत्तराखंड में बीते 24 घंटे में 31 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं, वहीं एक मरीज की मौत हुई है जबकि 47 मरीजों को ठीक होने के बाद घर भेजा गया है। वहीं सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 446 पहुंच गई है। 3 जिलों अल्मोड़ा, पौड़ी और रुद्रप्रयाग में एक भी संक्रमित मरीज सामने नहीं आया है। तो कोरोना के 31 नए संक्रमित मिले हैं, एक की कोरोना की मौत हो गई है। कोरोना से उत्तराखंड में कोरोना अपडेट आपको बता दें कि 24 घंटे में 31 नए संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई है। हरिद्वार में सिडकुल स्थित अकम्स कंपनी के द्वारा आयोजित वैक्सीनेशन कैंप में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती नजर आई। कर्मचारियों को वैक्सीनेशन किए जाने के लिए अकम्स कंपनी के द्वारा वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया, जिसके तहत हजारों कर्मचारियों को प्रतिदिन वैक्सीन लगाई जा रही है। एक ओर संक्रमण से बचाव को लेकर वैक्सीनेशन कैंप में वैक्सीन लगाई जा रही है, तो दूसरी तरफ वैक्सीनेशन लगवाने आ रहे कर्मचारियों की भीड़ संक्रमण को फैलाने का काम कर रही है, जिस पर ना तो वैक्सीनेशन कैंप आयोजक और ना ही प्रशासन किसी तरह का कोई ध्यान दे रहे हैं, जिसके चलते खुलेआम सभी नियमों की धज्जियां उड़ती नजर आ रही है। इस खबर पर हमारे साथ इंतजार जुड़ चुके हैं। इंतजार, इस तरह की लापरवाही क्यों बढ़ती जा रही है, क्यों सोशल डिस्टेंसिंग नहीं मेंटेन की जा रही है वैक्सीनेशन में? हालांकि तस्वीरों में देखा जा सकता है कि काफी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, लेकिन इनकी मॉनिटरिंग क्यों नहीं की जा रही है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं जो ये जो मामला है, जो ये वैक्सीनेशन का जो कार्य चला है, एक छिड़कुल में एक एकम्स जो ड्रग्स कंपनी है उसी के द्वारा ये वैक्सीनेशन का कार्य चला जा रहा है, जहाँ जो लोग हैं वो भारी संख्या में वहाँ लोग पहुंचे हुए हैं और जो सोशल डिस्टेंसिंग है और जो व्यवस्थाएं हैं वो बिल्कुल लचर है, व्यवस्थाओं का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा गया है। एक तरफ जो एकम्स कंपनी है सुर्खियां बटोरने के लिए वैक्सीनेशन का कार्य करा रही है, लेकिन वहीं दूसरी ओर जो कोरोना संक्रमण का खतरा है उसको भी बढ़ावा इस तरीके से दिया जा रहा है। जी इंतजार, और जिस तरह की हम तस्वीरें देख रहे हैं तो ऐसे वैक्सीनेशन सेंटर पर कार्रवाई होनी भी चाहिए, क्योंकि भीड़ इस कदर है कि कोरोना की तीसरी लहर, हालांकि हम वैक्सीन लगवाने तो जा रहे हैं लेकिन उसके पहले की जो कोविड प्रोटोकॉल्स है उसकी किस कदर धज्जियां उड़ा रहे हैं, ये भी सुनिश्चित करना सरकार का, प्रशासन का, और वहां पर जो एम्स के डॉक्टर है जो वैक्सीनेशन सेंटर पर मौजूद है उनकी निगरानी होनी चाहिए, जिम्मेदारी है उनकी। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं जो ये वैक्सीनेशन सेंटर है एकम्स कंपनी द्वारा चलाया जा रहा है, जहां जो जिला मुख्यालय है, चाहे वो एसएसपी कार्यालय है, वो चाहे जिलाधिकारी कार्यालय हो, चाहे जिला स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय हो, महज वहां से 1 किलोमीटर की दूरी पर ये वैक्सीनेशन कैंप चलाया जा रहा है, जहाँ जो एकम्स कंपनी में लोगों की जो भीड़ है वो असंख्य संख्या में वहां पर पहुंची और जो सोशल डिस्टेंस की धज्जियां है वो खुलेआम वहां पर उड़ाई जा रही है। और जो प्रशासन की जो नीतियां हैं, एक तरफ जैसे कावड़ यात्रा को रद्द किया गया था और जो लोग कावड़ यात्रा में लोग बिना एसओपी के यहाँ पर आरजीओ के ऊपर कार्रवाई की
दी गई है, लेकिन यहाँ इस तरह की जो यहाँ धज्जियां सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ाई जा रही है और कोविड का जो संक्रमण है उसको फैलने के खतरे को बढ़ावा यहाँ पे दिया जा रहा है, तो किसी तरह की कोई कार्रवाई शासन के द्वारा इन लोगों को अभी तक नहीं की गई है। हालांकि प्रशासन को इस चीज से अवगत कराया गया है कि यहाँ जो सोशल डिस्टेंस की धज्जियां हैं और एकम्स के द्वारा जो व्यवस्था है वो दुरुस्त नहीं है और इससे जो संक्रमण फैलने का खतरा है वो बढ़ाया जा सकता है। हम देख सकते हैं कि किस कदर एकम्स के द्वारा ये जो वैक्सीनेशन कैंप जो लगाया जाता है उसको लेकर कोविड प्रोटोकॉल की वहीं दूसरी ओर धज्जियां किस कदर उड़ाई जा रही है। हालांकि इस पर प्रशासन को अपनी नजर बनानी चाहिए और पुख्ता इंतजाम करने चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। वहीं बीजेपी के पिछड़ा आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर कल्पना सैनी नैनीताल पहुंची, जहां उनका पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। कार्यक्रम में शिरकत करते हुए उन्होंने अपने बयान में कहा कि हमारा आयोग अन्य पिछड़े वर्ग के संरक्षण, कल्याण और सामाजिक और आर्थिक विकास के साथ ही उनके समस्याओं के निस्तारण के लिए काम कर रहा है। डॉक्टर सैनी ने कहा कि आयोग अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों को उनके अधिकारों और रक्षा उपायों से वंचित किए जाने पर उनके द्वारा की गई शिकायतों की जांच कर उनके अधिकारों को उपलब्ध करता है। रुड़की में हरीश रावत की युवा ब्रिगेड के जिलाध्यक्ष आकाश सक्सेना और एडवोकेट अमित कुमार द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव अनुपमा रावत पहुंची। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अनुपमा ने कहा कि भाजपा ने युवाओं को रोजगार युवाओं का छीना है, यही नहीं बढ़ती महंगाई ने गरीब आदमी की कमर तोड़ दी है। साथ ही उन्होंने कहा कि पूर्व सीएम हरीश रावत द्वारा हितार्थ जो भी योजनाएं चलाई गई थी उन्हें भाजपा की इस निकम्मी सरकार ने जानबूझकर बंद कर दिया है। वहीं कार्यक्रम का आयोजन करने वाले जिलाध्यक्ष आकाश सक्सेना और एडवोकेट अमित कुमार ने सभी कार्यकर्ताओं से संगठन को मजबूत करने का आह्वान किया है। जहां पर लोग यहां से पिछड़ेंगे और कांग्रेस को दोबारा से राज्य में स्थापित करेंगे और जो रुझान हर विधानसभा क्षेत्र में देखने को मिल रहा है, तो साफ दिख रहा है कि हर विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस वापसी कर रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ के जो जनप्रतिनिधि असली दायित्व तो उनका है क्योंकि कि वह क्षेत्र की मांग को सरकार तक ले जाने का कार्य न वे सरकार तक ले जाने का कार्य कर रही है और न सरकार जनता तक आने का कार्य। तो इसमें इन दोनों के असल में जो मेन परेशानी है, जो मुख्य परेशानी जो है वह जनता को। देहरादून के विकास नगर तहसील में शासन प्रशासन की नदी तटों पर खनन पर पाबंदी है। इसके बावजूद भी खनन माफिया नदी तटों से लगातार खनन कर रहे हैं। इस पर डीएम ने एसडीएम विकास नगर को कार्रवाई करने के आदेश दिए। उन्होंने तहसील व्यवस्थित आपदा कंट्रोल रूम का भी निरीक्षण किया, साथ ही कंट्रोल रूम में तैनात कर्मचारियों से अहम जानकारी ली। पौड़ी डीएम डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे ने विकास भवन सभागार पौड़ी में आरआईडीएफ पोषित परियोजनाओं की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने सभी अधिकारियों से चर्चा करते हुए ये निर्देश दिए कि सभी विभाग की नई परियोजना का डीपीआर एक हफ्ते के अंदर शासन को पेश करें, साथ ही जिन परियोजनाओं का काम पूरा हो चुका है उसकी भी रिपोर्ट एक सप्ताह के भीतर नाबार्ड को भी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। चंपावत में उत्तरांचल फेडरेशन ऑफ मिनिस्ट्रियल सर्विसेज एसोसिएशन शाखा का द्विवार्षिक अधिवेशन की शुरुआत हुई, जिसमें डीएम विनीत तोमर ने शिरकत की। इस दौरान एसोसिएशन के लोगों ने उनका फूल मालाओं से स्वागत किया। एसोसिएशन के प्रधान अधिकारियों ने डीएम के माध्यम से शासन को अपनी विभिन्न मांगों से संबंधित ज्ञापन सौंपा। डीएम विनीत तोमर ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि लोकतंत्र में सबको अपनी मांगे रखने का पूरा अधिकार है। उन्होंने जायज मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई का आश्वासन दिया है। बाहर समाचार में फिलहाल के लिए बस इतना ही, जल्द हाजिर होंगे। नमस्कार।